गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं आज क्लास सेवेंथ में मैथमेटिक्स का चैप्टर फोर जो रेशनल नंबर है उसके बारे में जो है मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, आज मैं जो है एक्सरसाइज फोर बी में के बारे में आपको बताऊंगा। आप यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, क्या ईच हमारी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है एक्सरसाइज फोर में, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन। इसको हमको नंबर्स लाइन में शो करेंगे। तो नंबर्स लाइन में शो करने से पहले कुछ आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ एग्जांपल्स में, उसको ध्यान देंगे। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर्स लाइन इन द प्रीवियस लाइन, ड्रा ए लाइन टेकिंग पॉइंट ओ ऑन ईट, ड्रा एक लाइन लेंगे टेकिंग पॉइंट ओ इन एट जीरो, सेट ऑफ द इक्वल डिस्टेंस ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट जीरो, सच डिस्टेंस आर नॉन एज यूनिट लेंथ, क्लियर दैट द पॉइंट ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट द लाइन वन टू थ्री फोर। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट आपका जो लाइन किया गया है आपको क्या है रिप्रेजेंट आप देखिए लाइन यहाँ आप देखेंगे ए बी सी डी आपको इक्वल डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस लाइन पर, इस तरह हम अरेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम मार्क करते हैं पॉइंट को, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कैसे हम इसको लाइंस को जो है मार्क करेंगे। अब जैसे यहाँ आपका रिप्रेजेंट करना है वन और टू, वन और माइनस टू को आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ जीरो होगा यहाँ से वन जाएंगे, इधर माइनस वन है दोनों हम मार्क कर लेंगे, इधर मिडिल पॉइंट है वन बाई टू पार्ट्स यहाँ हो जाए, यानी इसको और इसको, इसको दो पार्ट में हम जो है डिवाइड करेंगे, यानी एक से लेकर दो पार्ट में इक्वल पार्ट में करेंगे, बीच वाला पॉइंट हो जाए वन बाई टू होगा, राइट साइड वाला जो है और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन आपका रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखेंगे, रिप्रेजेंट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन लाइन्स, हमको रिप्रेजेंट क्या करना है नंबर्स लाइन, यहाँ मार्क करेंगे हम पॉइंट, यहाँ हम जीरो करेंगे पॉइंट, इधर से हमको कितना जाना वन, अगर यहाँ वन है तो इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दें इक्वल पॉइंट, यानी हमको पॉजिटिव जाना है तो वन बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ टू बाई थ्री होगा, यहाँ आपका वन जो आप किए हैं तो वन का होता है थ्री बाय थ्री, आप करेंगे तो आपका वन हो जाएगा इस पॉइंट, यानी आपको मार्क क्या करना है यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को आपको जो है मार्क आपको कितना होगा ई करेगा वन बाई थ्री पार्ट आपको करेगा। इसी तरह हमको सभी लाइन में करना है। अब यहाँ ध्यान देंगे टू बाई सेवन का, यानी टू बाई सेवन करना है तो यानी यहाँ से हमको करना होगा माइनस टू, यहाँ वन है जीरो है, यहाँ आप वन दे, इसको सेवन पार्ट में ले जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी यहाँ आप दीजिए सेवन पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया, यानी कितना हो यहाँ से कर लिए तो टू बाई सेवन जो हमारा पार्ट हुआ ये रिप्रेजेंट करता है टू बाई सेवन, ये लास्ट में हमारा सेवन बाई सेवन है यानी इजकल टू वन आ जाता है। तो यह पॉइंट आपका वन पॉइंट है, तो इसके कारण हम जीरो से वन को हम कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जितना हमारा डिनोमीटर है उतने ही पार्ट में हम इसको जो है डिवाइड करते हैं, उस बाद हम पॉइंट को जो मार्क करते हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसको हम करते हैं। तो बच्चों इसको समझ गए, उसी तरह यहाँ पर करना है 22 बाई सेवन करना है, 22 बाई सेवन आप देखेंगे ये क्या है आपका फोर्टीन प्रॉपर है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री होल, थ्री होल वन बाई सेवन आपका होता है, तो थ्री ओल वन बाई सेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे थ्री प्लस वन बाई सेवन कर, यानी हमको थ्री से बड़ा चाहिए और जो है फोर, यह मार्क आपको कांच में हो जाएगा, यह पॉइंट आएगा थ्री से हमारा ग्रेटर हो जाएगा और फोर के बीच में हो जाएगा, क्या होगा फोर से छोटा होगा, यानी हमको कहाँ जाना होगा वन टू थ्री उस वक्त फोर जाएंगे,
तो बच्चों इसको समझिए, तो इसको मार्क करने के लिए हमको क्या करना होगा, जीरो यहाँ मार्क करिएगा, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ आपका 4 होगा। इस पार्ट को जो है डिवाइड कितना पार्ट में करेंगे, 7 पार्ट में करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 पार्ट में। इसमें हमारा कितना हो गया, 1/7 आपका, तो 1/7 आपका यहाँ जो मार्क होगा ये 1/7 आपका, यानी यहाँ से आपका जो पॉइंट ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक मार्क आपका होगा 3/1/7। तो बच्चों इसको समझिए कि कैसे करना है, इसके बाद खुद आप करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में आप पढ़ेंगे, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला आप ध्यान देंगे, जीरो से आपका ध्यान दीजिएगा, जीरो आपका है, जीरो से जो पॉजिटिव टर्म होगा इधर वाला ये आपका पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर होगा, यानी आपका ग्रेटर कौन होगा, 5/6 होगा। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे 3/-, लेफ्ट साइड है जीरो से, तो ग्रेटर आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ 5/8 है, 3/8, इसमें बड़ा कौन होगा, जो ऊपर जो बड़ा होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। 4 में क्या हो, नेगेटिव, ये जो है हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में हमारा जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो बच्चों इसको समझ गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर एंड विच ऑफ द रेशनल नंबर इज स्मॉलर। कहता है इसमें, कहता है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर, ये दोनों में से हमारा कौन सबसे बड़ा है, ये दोनों पॉइंट देखिए, यहाँ 5/9 है और यहाँ आपका कितना है, -3/8 है, तो दोनों आपका प्लस हो गया, दोनों माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कितना आपका होगा, 40 हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 27 ग्रेटर आपका कौन होगा, यानी यहाँ दोनों का एक और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट होगा 9/8, यानी 72 हो जाता है, ये कितना होगा, 72 होगा, यानी कौन आपका बड़ा होगा, तो ये 40 आपका बड़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लेंगे, उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उस बाद जो दी दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लेंगे, ये जो नंबर मिलेंगे ये आपका हो जाएंगे, ये नंबर आपका जो बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। तो बच्चों इसमें समझिए कौन सा हमारा बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर आपका कौन सा है, बड़ा नंबर का, समझ गए। उसी तरह यहाँ हम करेंगे, यानी 4/7 हम करेंगे इनटू हमारा 8/7 है माइनस, यहाँ -3 आपका है, तो इसको हम पॉजिटिव हटा करके पॉजिटिव यहाँ कर देंगे, पहले तो पॉजिटिव बना दीजिएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो 28 माइनस हो गया आपका, बाय 21 हो जाएगा आपका, 21 हो, फिर इसको और मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा, बाय आपका कितना होगा, इसको करेंगे 21, ये 28/21 है, 8-24, तो बड़ा कौन होगा, जो नेगेटिव में छोटा हो वो बड़ा होगा। तब आप इसको समझिए कौन हमारा बड़ा है, इसमें हमारा कौन होगा, ये आपका जो है बड़ा, -8/7। तो बच्चों आप इसके बाद करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आप देखो, अब यहाँ का फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको आप फिलअप करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहला हो जाता है इस सवाल पर ध्यान दीजिए, तो पहला -3/7,
यहाँ हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ करिए 6/32, पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देंगे, इसको पहला देंगे, उस बाद इसको करिए तो -39 हो गया, फिर इसको गुना करेंगे तो 91 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे -42 हो गया, फिर यहाँ करेंगे 91। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो नीचे तो आपका एक है, तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका, जो कम होगा वो बड़ा हो जाएगा, भाई क्या होगा आपका छोटा होगा। तो बच्चे इसको समझ गए कि कौन हमारा बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो हमारा ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। यस सर, इसी तरह सभी को आप करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ एरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असाइनमेंट, इसको करने से पहले मैं एक एग्जांपल देकर, जैसे सवाल देखें इसी तरह का मैं एक एग्जांपल्स देकर के आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ देखिए एक है आपका एसेंडिंग ऑर्डर में, आपको एसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए फर्स्ट हमको क्या करना होगा, फर्स्ट एक्सप्रेस ईज ऑफ द गिवन पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये जितने भी हैं सबको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इस रूप में दिखेगा फर्स्ट। सेकेंड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे यहाँ करें, दूसरा एलसीएम लेने के बाद सबको लाइक फ्रैक्शन में हम जो है कन्वर्ट कर देंगे, सबको किस में करेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी -3 को जितना एलसीएम उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो सबको जो है हमको लाइक फ्रैक्शन में हमको जो है कन्वर्ट करना है, जैसे 8/3 तीनों कन्वर्ट कर, उसमें हम देखेंगे कौन हमारा बड़ा है कौन छोटा है, -25 सबसे बड़ा है, यहाँ सबसे छोटा है, उसमें -25 -8, उस बाद हम इसको अरेंज करेंगे। तो बच्चों इसको समझिए एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हमको करना है। अब यहाँ सवाल करें डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सेम हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या होगा पहला डिनोमिनेटर जितने भी हैं उसको जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, उस बाद क्या करेंगे हम एलसीएम हम ले, उसके बाद क्या होगा सबका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेकर के सेम आपका इस प्रोसीजर में सबको हमको जो है एलसीएम लेकर के लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन जब कन्वर्ट होगा तब हम इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आप समझ गए, उस बाद आप एक से जितना मैं आपको दिया हूँ एक्सरसाइज को जो है क्वेश्चन को जो है आप खुद करेंगे, यहाँ एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ आप देखिए 7 नंबर -3/6 लाइ टू द लेफ्ट ऑफ द 0 टू और 4 ये लेफ्ट है, लाइ टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर 5 यस ये आपका ट्रू आपका होगा, -7/ लाइ टू द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर 9 ये फॉल्स होगा, ये क्या होता है लेफ्ट साइड होगा, एक्चुअल में क्या होगा लेफ्ट होगा, ये भी आपका क्या होगा लेफ्ट होगा। तो बच्चों आप समझ गए, आप 1 से 7 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जो है 8 से लेकर आगे के सवाल को बताऊंगा। ओके थैंक्स।